बिल्कुल आज सुबह हो चुका है और आप लोगों को एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो आज कुछ प्लानिंग आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। और बिल्कुल सुबह हो चुका है दोस्तों, ये देखो सुबह का नज़ारा आपका गांव का, बिल्कुल आसमान साफ नहीं है, बारिश भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा टपक रहे है, एक दो टपक रहे है वो बारिश। और दोस्तों काफ़ी मज़ा है आज का जो दिन, आज संडे है और हमने आज गिरजा जाएंगे। गिरजा जाने के बाद हम ब्लॉगिंग करने के लिए जरूर निकल जाएंगे घर से। और बिल्कुल दोस्तों हमारा गांव में बारिश ऐसा ही हो रहा है, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है, इसलिए धान भी लगा नहीं पा रहे हैं हम लोग। कुछ कुछ जगह हम लोग का थोड़ा आसपास में तो पूरा बारिश हो रहा है, लेकिन आसपास मतलब ज़मीन ऐसा ही पड़ा हुआ है और दोस्तों धान लगा नहीं पा रहे हैं। और चावल का इतना खतरनाक दाम हो गया, जो सोना तो क्या, सोना से ज़्यादा दाम हो गया है वो चावल। दोस्तों हमारा गांव में चावल का प्राइस पर किलो का तकरीबन 32-30 ऐसा हो चुका है। और दोस्तों पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत दाम हो चुका है और जीने के लिए भी मुश्किल हो। किसी का नौकरी है तो वो तो आसान है, किसी का नौकरी नहीं है तो वो लोग को जीने के लिए बहुत परेशान का झेलना पड़ा। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। बात ना करते हुए तो वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहे दोस्तों, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सपोर्ट बनाए रखना और प्यार जरूर बनाए रखना। तो चलो वीडियो को आगे लेके चलते हैं। फाइनल दोस्तों हम अभी सुबह सुबह ये इसको पानी लेने के लिए जा रहे हैं। तो हम का रिंग में पानी खाने के लिए लायक मतलब नहीं हुआ है, अभी तक रिंग नहीं लगे, इसलिए यहाँ का पानी नहीं खा रहे। तो दमकल से हम लेके आएंगे और दूध लेके जाएंगे। दोस्तों हम पहुंच गए, यहाँ में पानी पीने के लिए दमकल से लेके जाएंगे पानी। हेलो मां, भर्ती कर लिया और अभी हम लेके जाएंगे इसको, एक बार में दो तो लेके नहीं जाएंगे और एक एक लेके जाएंगे। तो चले दोस्तों पानी लेके जाते हैं। उठाया खाना पका है सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए, और ये रहा हमें पकाया जा रहा है। ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयारी कर चुका है और ब्रेकफास्ट करेंगे अभी, उसका बाद चर्च को जाएंगे। गिरजा हम कर लेते हैं, चर्च कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से कुछ ब्लॉगिंग करने के लिए और दूसरा जगह जाएंगे। इसके मतलब चर्च ख़त्म होके अभी घर आ चुका है और घर में आके थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद हम ब्लॉगिंग करने के लिए कहीं पे जाने वाला है। तो वीडियो में जरूर बने रहे और मेरा ब्लॉगिंग का वीडियो बिल्कुल जल्द ही आने वाला है। तो मेरा वीडियो देख के आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट कर दें और ढेर सारा प्यार बनाए रखना ऐसा ही।